स्टूडेंट्स, मैं आनंद प्रकाश राकेचल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। मैं आज आपको डिप्लोमा मैकेनिकल के सेकेंड ईयर के थ्योरी ऑफ मशीन विषय के फ्लाईव्हील सब्जेक्ट के दो प्रश्नों को हल करने के बारे में बताऊंगा। पहला प्रश्न है, एक रिवेटिंग मशीन एक नियत बल आघूर्ण 4 किलोवाट मोटर से चलाई जाती है। प्रत्येक रिवेटन संक्रिया में 1 सेकेंड लगता है तथा 9000 न्यूटन मीटर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रिवेटिंग मशीन पर 130 किलोग्राम द्रव्यमान व 0.5 मीटर परिभ्रमण त्रिज्या का गतिपालक पहिया बंधा हुआ है। यदि रिवेटिंग से पहले गतिपालक पहिये की चाल 420 चक्कर प्रति मिनट हो तो ज्ञात कीजिए रिवेटिंग के पश्चात गतिपालक पहिये की चाल में गिरावट एवं प्रति घंटा फिट किए गए रिवेटों की संख्या। इस प्रश्न के अंदर जो हमें दिया हुआ है वो मोटर की शक्ति P=4 किलोवाट या 4000 वाट, प्रत्येक रिवेटन के अंदर लगा समय T=1 सेकेंड, प्रत्येक रिवेटन के अंदर आवश्यक ऊर्जा 9000 न्यूटन मीटर या जूल, गतिपालक पहिये का द्रव्यमान M=130 किलोग्राम, गतिपालक पहिये की परिभ्रमण त्रिज्या K=0.5 मीटर, रिवेटन से पूर्व गति N1=420 rpm और रिवेटन के पश्चात गति N2 ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात N2-N1 फॉल इन स्पीड ज्ञात करेंगे। दूसरा इसमें पूछा गया है प्रति घंटा फिट किए गए रिवेट्स की संख्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो मोटर पावर पी विल बी इक्वल्स टू, जो पी का मान जो होगा वो आवश्यक ऊर्जा डब्लू इंटू नंबर ऑफ रिवेट्स क्लोज पर सेकेंड, प्रति सेकेंड समय में फिट किए गए रिवेटों की संख्या, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ रिवेट्स क्लोज पर सेकेंड इक्वल्स टू 4000/9000। अगर इसको हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रति घंटा जो रिवेट्स की संख्या आएगी 1600 रिवेट्स आ जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रिवेटिंग ऑपरेशन हो, शेयरिंग ऑपरेशन हो, पंचिंग ऑपरेशंस हो, ये ऑपरेशन जो है इंटरमिटेंट ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि संपूर्ण चक्र के लिए के कुछ समय के दौरान ही ये ऑपरेशंस होते हैं। तो आवश्यक ऊर्जा जो रिवेटिंग ऑपरेशन 1 सेकेंड के लिए हमें डेल्टा ई चाहिएगी 9000 न्यूटन मीटर, जो इस चित्र के अंदर एक त्रिभुज द्वारा बताई गई है। मोटर चूँकि हम माध्य गुण आघूर्ण गुण की उपयोग में लेते हैं, तो इसलिए मोटर द्वारा इस 1 सेकेंड के दौरान जो कार्य प्रदान किया जाएगा वो वर्टिकल साइडेड लाइन से दर्शाया गया है। इन दोनों का जो अंतर जो होगा वो डेल्टा ई यानी कि गतिपालक पहिये द्वारा संचित ऊर्जा, इसको हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, फ्लाईव्हील प्रभाव भी कहते हैं। सो डेल्टा ई इक्वल्स टू जो आएगा वो प्रत्येक रिवेटन के लिए आवश्यक ऊर्जा माइनस रिवेटन के दौरान मोटर द्वारा प्रदान किया गया कार्य। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू 9000 - 4000 × 1, क्योंकि 1 सेकेंड में ये 4000 न्यूटन मीटर कार्य प्रदान करेगी मोटर, तो 5000 न्यूटन मीटर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ जाएगा। सो डेल्टा ई इक्वल्स टू 1/2 I ω1² - ω2² तो 5000 = 1/2 × 130 × 0.5² ω1 और ω2 / 2π n/60 वाले फार्मूले से वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर, तो N2 का जो मान आएगा वो 385 rpm आएगा। तो फॉल इन स्पीड जो N2 - N1 जो आएगा वो 35 चक्कर प्रति मिनट आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसकी गति जो है वो घट के जो 385 rpm तक आ जाएगी। दूसरा प्रश्न जो है वो एक बहु सिलेंडर प्रत्यागामी इंजन का वर्तन आघूर्ण आर एक पैमाने पर बनाया जाता है, 1 mm = 500 Nm वाई एक्स पर और 1 mm = 4° एक्स एक्स पर। मध्य बल आघूर्ण रेखा के ऊपर और नीचे क्षेत्रफल +50 - 120 +95 - 140 +90
-70 और +95 है। इस प्रकार से ये 7 क्षेत्रफल हमें ऊपर और नीचे दिए हुए हैं। फ्लाईव्हील की जो गति जो है वो 1000 आरपीएम है और फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड काफी जो ±1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 400 मिलीमीटर की परिभ्रमण त्रिज्या के लिए गति पालक पहिए का द्रव्यमान का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पे जो डाटा दिए अपने को दिए हुए फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड CS इक्वल्स टू ±1% यानी कि 0.02 हो जाएगा। K की वैल्यू जो आएगी वो 400 मिलीमीटर यानी कि 0.4 मीटर। M अपने निकालना है और गति पालक पहिए की गति जो है वो 1000 आरपीएम हो जाएगी। तो यहाँ पे चित्र के अंदर ये थीटा डायग्राम दर्शाया गया जिसमें एक क्षैतिज रेखा जो है वो माध्य घूर्ण रेखा को प्रदर्शित करती है। तो बिंदु एक से जो है वो इंटरसेप्टेड एरियाज दर्शाए गए हैं। तो पहला क्षेत्रफल जो है वो 50 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस का है तो वो ऊपर दर्शाया गया है। दूसरा क्षेत्रफल -120 जो नीचे दर्शाया गया है। तीसरा क्षेत्रफल +95 जो ऊपर दर्शाया गया है। चौथा क्षेत्रफल -140 जो पुनः नीचे दर्शाया गया है। पांचवा क्षेत्रफल +90 जो कि ऊपर की ओर दर्शाया गया है। छठा क्षेत्रफल -70 जो नीचे की ओर दर्शाया गया है और अंतिम क्षेत्रफल +95 जो ऊपर की ओर दर्शाया गया है। इस प्रकार हमें 8 बिंदु जो है वो इस रेखा पर प्राप्त होते हैं। पैमाना जैसा कि हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर 1 मिलीमीटर बराबर 4 डिग्री और वाई एक्सिस पर 1 मिलीमीटर बराबर 500 न्यूटन मीटर। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि साइकिल के स्टार्ट में या चक्र के प्रारंभ में बिंदु एक पर गतिपालक पहिए की ऊर्जा E1 = E। अब बिंदु दो पर इसकी ऊर्जा +50 से बढ़ जाएगी तो E2 = हो जाएगा E+50। बिंदु तीन पर इसी प्रकार ये -120 से घट जाएगी तो E3 = आ जाएगा E-70। इसी प्रकार E4 पर E4 = E+25। बिंदु पाँच पर E5 = E-115। छः बिंदु पर E6 = E-25। सात बिंदु पर ऊर्जा आएगी E-95 और अंतिम बिंदु 8 पर E8 = E आ जाएगा। अगर चक्र के अंत में ऊर्जा और चक्र के प्रारंभ में ऊर्जा दोनों समान नहीं आती है तो गणना में कहीं त्रुटि है, इसको पुनः चेक कर लें, क्योंकि एक चक्र का अंत का तात्पर्य दूसरे चक्र का प्रारंभ होना। इस प्रकार जो गतिपालक पहिए द्वारा संचित ऊर्जा ΔE = E max - E minimum अधिकतम ऊर्जा माइनस न्यूनतम ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा को हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, फ्लाईव्हील इफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो अधिकतम ऊर्जा जो है वो E+50 है और न्यूनतम ऊर्जा E-115। तो इसका अंतर जो आएगा 165 मिलीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे 500 न्यूटन मीटर और दूसरा है π/180 × 4 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ΔE का मान आएगा वो 59.587 न्यूटन मीटर आएगा। हम ये भी जानते हैं कि ΔE = CSI ω2। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो ΔE 57.59.587 = CS 0.02। आई में एम की वैल्यू आ जाएगी, अपने को ज्ञात करनी है K² 0.4² और ओमेगा जो माध्य गति जो है वो 2π × 1000/60² इस प्रकार हमें एम की वैल्यू जो प्राप्त होती है 164.13 किलोग्राम, लगभग हम इसे 165 किलोग्राम मान सकते हैं। तो गति पालक पहिए का द्रव्यमान जो हमें 165 किलोग्राम होगा। धन्यवाद। ये प्रश्न आपके पूर्व के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं।